मेरा नाम डॉक्टर गौतम गर्ग है। मैं ये सिलेंडर्स लेने के लिए सब लोग दौड़ रहे हैं, लेकिन इसका सही मायने में कैसे इस्तेमाल करना है वो जानना बहुत जरूरी है, बिकॉज इसमें जो भरी हुई ऑक्सीजन है आज ये लाइफ सेविंग है। क्योंकि अगर आप इसको प्रॉपर ढंग से मैनेज नहीं करेंगे, अगर ऑक्सीजन लीक हो जाती है तो सिलेंडर जल्दी खाली हो जाएगा, और जिस मुश्किल से ऑक्सीजन आज मिल रही है उतनी ही जल्दी सिलेंडर खाली होने की वजह से आपकी गलती से दोबारा रीफिलिंग में बड़ी दिक्कत आ रही है। तो ये जानना बड़ा जरूरी है कि सिलेंडर को कैसे आपने यूज करना है। सबसे पहले ये जब आप बाजार से सिलेंडर लाते हैं तो ये सिलेंडर है, ये ट्रॉली इसकी सेफ्टी के लिए है, इसके अंदर ये फ्लो मीटर फिक्स रहता है जिससे ये फ्लो मीटर है जिसमें ये बताया जाता है कि जब आप चाबी खोलेंगे कि गैस कितनी है इसके अंदर। सबसे पहले आप ये बॉटल को खोल के इसके अंदर मार्किंग है, ये मैक्सिमम लेवल जो लिखा हुआ है इसके नीचे आपने पानी भर लेना है। आरओ वाटर नहीं डालना है, मिनरल वाटर नहीं डालना, नॉर्मल टैप वाटर डालना है। तो टैप वाटर डालने के बाद इसको आप बंद कर दीजिए। ध्यान रहे कि ये अच्छे से बंद हो, यहाँ पर लीक ना रहे किसी भी तरह का, नहीं तो वो ऑक्सीजन लीक करेगा। अब डालने के बाद ये आपका ऑक्सीजन मास्क है, इसका एक हिस्सा इधर चला जाएगा और दूसरा पेशेंट पहन लेगा। उसके बाद ये चाबी साथ में आती है, इसको यहाँ पर रखा जाता है और सिलेंडर को आप खोल देते हैं। खोलने के बाद इसकी जो सुई है वो ऊपर आ जाएगी जो ये बताएगी कि इसके अंदर गैस कितना है। ये होने के बाद जब आपने पेशेंट को मास्क लगा दिया, आप पेशेंट का उंगली पे सैचुरेशन चेक करेंगे। आज की टाइम में अगर पेशेंट 93-92 सैचुरेशन मेंटेन कर रहे हैं तो उनको ज्यादा ऑक्सीजन देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शॉर्टेज होने की वजह से पेशेंट की पोजीशनिंग अच्छी हो जाए, उनको अपराइट 30 डिग्री में बिठाया जाए तो नॉर्मल तरीके से मैनेज करने की कोशिश करें। अगर सैचुरेशन 90 से नीचे जाती है जब आप उंगली पे लगाते हैं, उसके बाद आप लगाने के बाद इसको खोलेंगे, ये यहां से खुलेगा और ये रेड कलर की जो अंदर बॉल है ये जंप करेगी। 90 से नीचे आप 1-1.5 लीटर पे पेशेंट को ऑक्सीजन देके मैनेज कर सकते हैं। अगर आपको लगा कि 15-20 मिनट के देने के बाद पेशेंट थोड़ा कंफर्टेबल हो गया, इमीडिएटली पहले यहां से बंद कर दें, पेशेंट को डिस्कनेक्ट करके, ऑक्सीजन डिस्कनेक्ट करके ये यहां से बंद कर दें और साथ में यहां से भी ऑक्सीजन सिलेंडर बंद कर दिया जाए, ताकि कम पूरी तरह से ऑक्सीजन दोबारा से लॉक हो गया और इसके अंदर से लीकेज नहीं होगी। वापस जरूरत आने पे आप इसको यूज कर सकते हैं। तो जरूरत जितनी जरूरत है उतना यूज करें, सेव करें और आगे आपको उतनी काम आएगी। शुक्रिया, थैंक यू। देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NDTV भारत।